नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं विश्व के प्रमुख समाचार पत्रों की। जी हाँ, हर परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है और स्टूडेंट कई बार इन्हें नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये दुविधा समाप्त हो जाएगी। जहां पर भी समाचार पत्रों से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है जिस भी एग्जाम में, वहां आप डंके की चोट पर करके आएंगे। तो चलिए चलते हैं स्लाइड के ऊपर दोस्तों, विश्व के प्रमुख देशों के समाचार पत्र। जी हाँ, प्रमुख समाचार पत्र। तो दोस्तों ब्रिटेन के समाचार पत्रों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है गार्डियन। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों गार्डियन? दोस्तों जो ब्रिटेन का ब्रिटेन जो था ये हमारे देश का क्या था, एक तरह से गार्जियन के रूप में था। कैसा था? गार्जियन के रूप में था हमारा। कब तक? सन 1947 तक वही हमारी देख रेख करता था। तो ऐसे आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? न्यू स्टेट्समैन। तो दोस्तों जितने भी हमारे देश के न्यू स्टेट्स बने, नए स्टेट्स बने, वो सब किसके कारण बने? ब्रिटेन के कारण ही बने। ब्रिटेन ने ही काफी सारे हमारे देश में स्टेट का नया निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? डेली मिरर। दोस्तों डेली मिरर यानी मिरर, एक तरह से भारत के जो हमारे महापुरुष थे उन लोगों ने ब्रिटेन को क्या किया, ब्रिटेन की धूर्तता के लिए ब्रिटेन को एक तरह से क्या दिखाया, आईना दिखाया। क्या दिखाया? आईना दिखाया ब्रिटेन को एक तरह से। तो डेली मिरर, इससे आपको याद रखेगा कि डेली मिरर उनको एक तरह से आईना दिखा दिया। तो यहाँ पर भी डेली मिरर। और टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ब्रिटेन में हुआ था टेलीग्राफ का आविष्कार। जी नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, द टाइम्स। जी हाँ, द टाइम्स। टाइम्स यानी कि टाइम। तो दोस्तों टाइम कहाँ से मिलाते हैं? जीएमटी। ये जो जीएमटी होता है ये कहाँ से मिलाते हैं दोस्तों? वहीं से, ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ है दोस्तों? ब्रिटेन में ही, यूके में ही है ग्रीनविच। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी ब्रिटेन से रिलेटेड हुआ। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? इंडिपेंडेंट। तो दोस्तों हमें इंडिपेंडेंट कहाँ से मिली? हमें इंडिपेंडेंट कहाँ से मिली? हमें ब्रिटेन से ही तो मिली। तो एक तरह से देखा जाए ये सारे के सारे हमने इसके साथ कोरिलेट कर दिए। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये तैयार हो जाएगा कि ब्रिटेन के कौन कौन से अखबार हैं। जब भी परीक्षा में पूछेगा कि इनमें से कौन से अखबार ब्रिटेन से छपता है तो आप इजिली टिक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका के समाचार पत्रों के बारे में। तो ये भी काफ़ी ईजी है दोस्तों। अमेरिका डेली न्यूज़, यहाँ का अखबार कौन सा है? डेली न्यूज़। डेली न्यूज़ में कौन छाया रहता है? डेली न्यूज़ में दोस्तों कौन छाया रहता है? हमेशा अमेरिका। जी हाँ, हमेशा अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर ये कर रहा है, अमेरिका ने वो कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, यहाँ हमला कर दिया, हमेशा डेली न्यूज़ में अमेरिका ही छाया रहता है। तो इससे आपको ये, इस ट्रिक से आपको ये तैयार हो जाएगा कि डेली न्यूज़ अमेरिका का समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? न्यूयॉर्क टाइम्स। और अगला क्या है? वॉशिंगटन पोस्ट। तो दोनों में वहाँ के शहरों का नाम आया है तो इसलिए ये तो अमेरिका के ही हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जानकारी की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन, यही तो नाम है दोस्तों। तो इसमें क्या आया? ब्ला, यहाँ है ना ब्ला। और यहाँ पे नाम में आप देखिए, व्लादिमीर में देखिए यहाँ आया क्या? ब्ला आया ना, ब्ला। तो ये ब्ला देखिए आप सभी में वा आया है। प्रावदा, यहाँ पे भी वदा, जेवास्ता, यहाँ पे वा, और यहाँ इजे वेस्तिया, यहाँ पर भी वा आया। तो देखिए दोनों में ही सेम व्लादिमीर, जैसे यहाँ ज़्यादातर जो रूस के नाम होते हैं उनमें आपको वा, आधा वा शब्द का ज़रूर प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ के भी जितने नाम हैं, जो भी ये समाचार पत्र हैं, आप उन सब में देखिए कि सभी में वा वा आया। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान के समाचार पत्रों के नाम। तो सबसे पहला क्या है? डॉन। आप सभी को पता है कि डॉन, पाकिस्तान में डॉन के डॉन रहेंगे, आतंकवादी रहेंगे, यही सब रहेगा। तो डॉन इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा कि वहाँ का जो समाचार पत्र है वो डॉन है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? पाकिस्तान टाइम्स। तो इसमें तो खुद ही पाकिस्तान का नाम आ रहा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फ्रांस का। फ्रांस का है लॉ मंडे, और यहाँ पर दूसरा जो अखबार निकलता है वो है ला फिगारो। जी हाँ, तो दोस्तों जो भी ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग भी जब ऑफिस में काम करते हैं तो मंडे के दिन उनको बिल्कुल क्या, मंडे के दिन पहला दिन वर्किंग होता है ना, तो उस दिन क्या करते हैं उनको बिल्कुल गार लेते हैं, गारते हैं, मतलब एक तरह से निचोड़ लेते हैं। गारना बोलते हैं ना बिल्कुल स्लैंग में, निचोड़ लेते हैं बिल्कुल। तो वही तो कह रहा है मंडे को, यहाँ पे मंडे को, ठीक है, मंडे को एक तरह से गार लेते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, आदमी जो होता है वो क्या होता है, फंस जाता है फ्रांस एक तरीके से काम में फंस जाता है, इसलिए क्योंकि मंडे को गार लिया जाता है, इसलिए एक तरह से फंस जाता है।
नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ला रिपब्लिका, क्या है ला रिपब्लिका। और ये समाचार पत्र कहाँ निकलता है, ये निकलता है इटली में निकलता है। तो कैसे तैयार करेंगे दोस्तों, रिपब्लिक जो भी लोग होते हैं, जो रिपब्लिक कंट्रीज में रहते हैं, वो लोग ईंट से ईंट बजा देते हैं एक दूसरे की, ईंट से ईंट बजा देते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना जबरदस्त होता है कि वो किसी की सुनते नहीं है। तो एक तरीके से इटली को आप ईंट से जोड़ सकते हैं ईंट से। तो यही हो गया ला रिपब्लिका, यानी जो लोग रिपब्लिक कंट्रीज में रहते हैं वो ईंट से ईंट बजा सकते हैं किसी की भी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अल अहरम, जी हाँ अल अहरम। और ये किस देश का अखबार है, ये है मिस्र का। कैसे तैयार होगा दोस्तों, सिंपल है दोस्तों, रम, अहरम में आपको क्या पकड़ना है, रम पकड़ना है, रम। और रम को कभी भी लोग मिश्रित नहीं पीते, मिक्स करके नहीं पीते, इसको नीट पीना पसंद करते हैं। कैसे पीते हैं, नीट पीना पसंद करते हैं, क्योंकि नीट पीने में मजा आता है रम का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ईस्टर्न सन, ईस्टर्न सन, ये अखबार कहाँ का है, ये अखबार है सिंगापुर का। कैसे तैयार होगा दोस्तों, सिंपल है, ईस्ट में जब भी सन निकलता है तो लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं, गाना गाते हैं, सिंग करते हैं, यानी सिंग, सिंगिंग। तो यही तो हो गया यहाँ सिंगापुर। जब भी कई जगह पर देखा जाता है कि जब भी सूर्योदय होता है तो लोग सुबह सुबह अक्सर गाना गाने लगते हैं, उस समय आलाप करते हैं, उस समय अपनी प्रैक्टिस करते हैं सिंगिंग की। तो बस वही समझ लिए कि जब भी ईस्ट में सन निकलता है तो लोग क्या करते हैं, सिंगिंग करते हैं, लोग गाना गाते हैं। तो बस ऐसे आपको ये तैयार रहेगा। नेक्स्ट अगला क्या है दोस्तों, मर्डेका, और मर्डेका यानी कि इंडोनेशिया। कैसे तैयार होगा, मर्डेका यानी कि मर गया, मरने का, यही तो बोला मरने का। और यहाँ पे क्या लिखा है, इंडोनेशिया यानी कि एंड। तो दोस्तों सिंपल, एंड और मरने का, यानी दोनों सिमिलरिटी है, दोनों एक तरीके से एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। तो इससे आपको ये ट्रिक भी तैयार हो जाएगी कि जहां पर भी मर्डेका पूछेगा वहां आप इंडोनेशिया को टिक कर दोगे, क्योंकि मरने की बात कर रहा है और इंडोनेशिया में एंड आ रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये काफी इजी ट्रिक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खलीज टाइम्स, ये अखबार कहाँ छपता है, ये है दुबई का अखबार। कैसे तैयार होगा दोस्तों, आपको पता है दुबई में कौन सी है, बुर्ज खलीफा, कौन सी वहां पे बिल्डिंग है सबसे बड़ी, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है। तो यहाँ पर खलीज आ रहा है, तो बस सिमिलरिटी है कि नहीं दोनों में, तो सिमिलरिटी है, तो इस तरीके से आप इजीली टिक कर दोगे कि खलीज टाइम्स कहाँ छपता है, दुबई में छपता है। नेक्स्ट लेते हैं मैनिची सिम्बुन, जी हाँ मैनिची सिम्बुन, और ये कहाँ पर है, जापान में। कैसे तैयार करेंगे दोस्तों, ये अखबार मैनिची सिम्बुन अखबार जापान में छपता है। कैसे तैयार करेंगे, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैनिची यानी कि मैनू चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, पान चाहिए, क्योंकि मैं पान का लवर हूँ, मुझे पान पसंद है खाना, क्या चीज़ पसंद है, पान खाना पसंद है, मैनू चाहिए पान। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं बांग्लादेश ऑब्जर्वर, और बांग्लादेश ऑब्जर्वर में बांग्लादेश आया है, तो जाहिर सी बात है ये बांग्लादेश में ही छपता होगा ये अखबार। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है, पीपल्स डेली, ये न्यूज़ पेपर कहाँ छपता है, चीन में छपता है। कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों, पीपल्स, पीपल्स डेली में क्या आया, पीपल्स, पीपल्स आया ना, और चीन की आर्मी का नाम क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब पार्टी है सॉरी। तो यहाँ की के जो भी नाम है उसमें पीपल्स आ जाता है, जैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, आप देखो वहाँ के ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें पीपल ज़रूर आता है, तो इसलिए वहाँ का जो अखबार होगा वो भी पीपल्स डेली ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पीपल्स आया है। इसके साथ साथ दोस्तों ये आप लोगों के लिए प्रश्न है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है कौन सा, ऑप्शन आपके सामने है, ए लंदन, बी हैम्बर्ग, सी रॉटरडम, या फिर डी एंटवर्प। तो जो इसमें से राइट आंसर है आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400 प्लस वीडियोज अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट पे ब्लैक बोर्ड के, तो जाके उन सभी को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियोस हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है jobbreaker.com उस पर जरूर जाइए, विजिट करिए, यहाँ आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे करंट अफेयर के, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं, रेगुलरली हम क्विज अभी अपलोड ही कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पर आप हमें लाइक कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB डाल के, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये रहा इसका एड्रेस ब्लैक बोर्ड हिंदी, इसे टाइप करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।